बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अहम ट्रेंड डेवलपमेंट्स। पिछले 6 से 8 घंटों के दौरान हमें देखने को मिली हैं, बिलखसूस इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालने के हवाले से हैं। 20 साल की तवील जदोजहद के बाद, जंग के बाद, खून रेजी के बाद, बिल आखिर अमरीकी काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी छोड़ चुके हैं। तफसील से आपको बताएंगे। आज दिन में बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई, बिलखसूस गुज़श्त रोज़ जो खौफनाक और खूनी कार्रवाइयाँ हमें देखने को मिली, जिसकी जो नोयत थी वो इंतहाई तबाहकुन थी, और 175 से ज़ायद लोगों के मारे जाने की इतलात इस वक्त कन्फर्म हुई हैं अभी तक जो फिगर है। इन हमलों में मुलव्वस इनके मास्टरमाइंड जो लोग दाइश से ताल्लुक़ रख रहे थे, उनको तालिबान ने सर्च ऑपरेशंस के बाद गिरफ़्तार कर लिया है। फिर अमरीकी हुकूमत ने इस वक्त तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का इंदिया दिया है। तुर्की अहम तरीन डेवलपमेंट्स कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले वो तमाम तर लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। सबसे पहले इस वक्त आपके सामने वो डेवलपमेंट्स रखेंगे जो लेटेस्ट हैं, बिलखसूस इस वक्त अमेरिका की जानिब से जो इंदिया दिया गया है तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से। इसमें ये बताया गया है कि अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के इम्कान पर अपने इत्तेहादियों, जो इसकी जंग में 20 साल की जंग के दौरान इसके इत्तेहादी रहे, क्योंकि देखिए आप, अमेरिका के पास इस वक्त ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं। पहले हम अपनी वीडियोस में आपको बता चुके हैं, आप देखें तो जर्मनी जैसा मुल्क जो बहुत बड़ा इत्तेहादी था अमेरिका का, उसने क्लियर पॉलिसी इख्तियार की। उसने ना सिर्फ नई अफगान हुकूमत की इमदाद का ऐलान किया, एक बड़ी खतीर रकम जो है उसके हवाले से उन्होंने अनाउंसमेंट की, बल्कि उसके साथ साथ जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मर्केल, इनका एक हमें मीटिंग नज़र आती है रूसी सदर पुतिन के साथ। इस मीटिंग के बाद हमें इनकी एक स्टेटमेंट नज़र आती है जिसमें ये कहती हैं कि तालिबान जो हैं वो एक हकीकत हैं, इनके जो भी तरीका हुकूमत है, लेकिन इनके साथ हमें बातचीत करना होगी। तो ये वो स्टेप थे अमेरिका के एक बहुत बड़े इत्तेहादी मुल्क जर्मनी की जानिब से, जिसने अल्टीमेटली जो बाइडन इंतज़ामिया को घुटनों पर बैठने पर मजबूर कर दिया, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि रूस ने तो पहले ही कह दिया था। आप देखिए, इस तमाम तर खेल में रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। बिलखसूस इस वक्त अगर फ्रंट फुट पर कोई लड़ रहा है तो वो रूस और चीन है। उसमें आप देखेंगे, रूस ने जो स्टेटमेंट दी पुतिन ने, उसने सारी दुनिया को ये कहा कि आप लोग अपनी मर्जियां उन पर मुसल्लत करने की कोशिशें मत करें, वो एक हकीकत है तालिबान, आपको उन्हें तस्लीम करना होगा। अब देखिए, जब जर्मनी ने ऐलान किया, इमदाद का ऐलान किया, और फिर ये कहा कि हम तालिबान हुकूमत से बात करेंगे और जो भी मामला, तो उसके बाद अब अमरीका ये कह रहा है कि हम अपने इत्तेहादी जो हैं इनके साथ इस मामले पर डिस्कशन करेंगे और मामला जो हैं उनको सम अप करेंगे और फाइनलाइज करेंगे। ये अहम तरीन डेवलपमेंट है जो इस वक्त नक्शा वाजे कर रही है। इससे पहले आप देखें तो आपको CIA चीफ की एक अहम तरीन मुलाकात, फिर आपको बैकडोर रबते तालिबान के साथ अमरीकी हुकूमत के नज़र आते हैं, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बिलाखिर काबुल की नई इंतज़ामिया जो तालिबान की है उसके साथ अमरीका अपने ताल्लुकात बनाने जा रहा है। यकीन तौर पर उसने बनाने, क्योंकि जितनी बदतरीन और खौफनाक शिकस्त हुई है। अब इस वक्त जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये है कि 4 अहम तरीन मास्टरमाइंड, वो लोग जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के हवाले से प्लानिंग की थी और जिसकी नतीजे में बड़ी तादाद में इंसानी जानें ज़ाया हुई थी, हमने ये देखा था कि मारे गए थे बहुत सारे बच्चे, ख्वातीन, और एक बहुत ही अफरा तफरी का आलम था, एक तकलीफ की सूरत हाल थी। अब इन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड, अब तालिबान की इंटेलिजेंस को आप हल्का ना समझिए, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंटेलिजेंस गैदरिंग है इस वक्त इनकी, और इंटेलिजेंस जो कलेक्शन है, जो इनकी नेटवर्किंग है, वो बड़ी स्ट्रांग हो चुकी है। आप देखिए, दुनिया से ये सीख चुके हैं, जो इन्होंने दोहा के अंदर सियासी दफ्तर बनाया था वो सिर्फ बैरूनी ममालिक के दौरे करने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो दुनिया का सिस्टम समझने के लिए इन्होंने बनाया था। तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि इनकी इंटेलिजेंस ने 4 अहम तरीन वो मतलूब लोग जो दाइश के थे उनको गिरफ़्तार कर लिया और उनकी तस्वीर भी जारी कर ली। तो अब ये चीज़ें तो वाजे हो रही हैं कि इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है और उसने काम भी करना शुरू कर दिया है। फिर उसके साथ जो तस्वीर इस वक्त सामने आई हैं, जो बैन अलावी मीडिया की भी गर्दश में हैं, ख़बरों की भी जिंदत बनी हुई है, वो काबुल एयरपोर्ट है। काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जो पहले बैरूनी तौर पर तालिबान के पास थी, इस एयरपोर्ट का एक हिस्सा, इस वक्त की इतलाव सामने आ रही हैं कि ये अपनी पूरी नफरी के साथ तालिबान का एक बहुत बड़ा कॉन्वाय जो है
वो काबुल एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो चुका है, सिक्योरिटी हैंडओवर की जा रही है। क्योंकि इस वक्त हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो 12:45 हो रहे हैं रात के, और तकरीबन 28 अगस्त इस वक्त हो चुका है, 29, 30 और 31 अगस्त। 31 अगस्त फाइनल डेट है अमरीकी फोर्सेस की, अमेरिका के तमाम ऑपरेशंस काबुल एयरपोर्ट से क्लोज़ करने के बाद सिक्योरिटी और तमाम मामलात तालिबान के हैंड ओवर करने के हवाले से। तो इस वक्त आप देखिए कि तालिबान की जो फोर्सेस हैं, बिलखसूस जो इनकी रेड यूनिट है, बदरी ब्रिगेड है या दीगर जो भी हैं, वो इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के अंदर उसकी सिक्योरिटी के मामलात उसको टेक ओवर कर रहे हैं। इसी सब के साथ जो तुर्की कर रहा है वो बड़ा अहम है। आज जो डेवलपमेंट्स तुर्की के हवाले से सामने आई वो बहुत ही अनयूजल सी थी, बल्कि आप ये कहें कि गैर मामूली नहीं थी, क्योंकि तुर्की की एक अहम तरीन मीटिंग आज जो दिन गुजर चुका है 27 अगस्त, उसमें हुई काबुल एयरपोर्ट के ऊपर ही और तालिबान के साथ हुई। और उसमें ये बातें तय हुई कि अमेरिका के जाने के बाद जो ऑपरेशनल मामलात हैं, एयरपोर्ट के फ्लाइट ऑपरेशन है, जो सिविल एविएशन का मामला है, वो तुर्की की एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। तो इस वक्त तुर्की जो है उसने अपना सफारतखाना बाकायदा तौर पर ऑपरेशनल करने के लिए काबुल के अंदर अपने जो अहम तरीन जो उसने डेवलपमेंट्स थी वो की हैं, और अपना सफारतखाना उसने तकरीबन एक्टिव कर दिया। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो तकरीबन इनका सफारतखाना एक्टिव हो चुका है। तो ये पांचवा मुल्क होगा तुर्की, पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान के बाद जो बाकायदा तौर पर इन हालात के अंदर नई इंतज़ामिया के साथ अपना सफारती मामला जो है वो चलाने जा रहा है। अब एक अहम तरीन चीज़ ये भी है कि जब हमें रात गए गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर जो बाइडन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आती है, जिसमें वो सर पकड़कर बैठ जाते हैं अपने मारे जाने वाले 12 से 13 अमरीकी फ़ौजियों के लिए, बड़ा ही दर्दनाक अल्फाज में वो इज़हार करते हैं कि बड़ा नुकसान हो गया हमारा, और एक जेस्चर देते हैं कि इसमें हम इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि ये इन्होंने एक ऐसा मौका बनाया है, एक ऐसी वजह बनाई है जिसको बुनियाद बनाकर ये 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान के ऊपर एयर रेड्स कर सकते हैं। उसकी आपको मैं इतला यहाँ पर यह ज़रूर दे दूँ कि इस वक्त ये बताया जा रहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन जो है, इन्होंने अस्करी हुकाम को अफगानिस्तान में दाइश के ठिकानों पर हमले करने का हुक्म दिया है, और काबुल एयरपोर्ट पर दाइश के जो खुदकुश हमले में 1 दर्जन से ज़ायद अमरीकी फौजी मारे गए थे दाइश की जंग से, उसका बदला लेने के हाल से ये क्लियर इंडिकेशन है। तो आप देखिए अमरीका तो अब 31 अगस्त को जा रहा है, तो खुदकुश हमले मज़ के साथ जो फजाई हमले होने हैं दाइश के ठिकानों पर, वो कब होंगे? वो यकीनी तौर पर तब होंगे जब हमें ये देखने को मिलेगा कि 31 अगस्त हो चुकी, ये तमाम लोग जा चुके, उसके बाद ये एयर रेड्स करेंगे। देखिए इन्होंने एक जानब शुमाली इतिहाद के लोग बिलखसूस अमरुल्ला साले और उसके साथ आप देखें तो अहमद शाह मसूद का बेटा, ये लोग भी एक महाज पर इन्होंने तैयार रखे हुए हैं कि किसी भी वक्त कोई अगर सिचुएशन डेवलप होती है तो उसके हिसाब से ये इन लोगों को यूटिलाइज़ करेंगे और तालिबान के लिए एक टफ़ टाइम क्रिएट करेंगे। लेकिन इस सब के साथ जाहिर बात है कि एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि इस वक्त हमें एक बहुत ही एक्टिव गवर्नमेंट बनती हुई नज़र आ रही है तालिबान की, जिसमें गुलबादीन इख्तियार, हामिद करज़ई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला जैसे लोग शामिल हैं, और इन लोगों की खदमात ली जानी। और आप देखिए जिस तरह से तालिबान की इंटेलिजेंस ने इतने कम वक्त में दाइश के वो इन्वॉल्व लोग गिरफ़्तार कर लिए जो काबुल बम हमलों में मुलव्वस थे, तो आप देखिए तालिबान की हुकूमत बड़ी आउटस्टैंडिंग बनेगी। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कीजिए और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।